हेलो एवरीवन, दिस इज मोनिका। वेलकम टू अनदर वीडियो। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज का ये वीडियो होने वाला है गाइस मिंत्रा से, बिकॉज काफ़ी टाइम से मैंने मिंत्रा कोई हॉल नहीं किया था, तो अभी मैं मिंत्रा से पूरा फेस्टिव कलेक्शन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले मेक श्योर करें कि चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, बिकॉज इस चैनल पर मैं हॉल वीडियोज़, ब्यूटी रिलेटेड वीडियोज़, ऑल्सो स्टाइलिंग वीडियोज़ अपलोड करती हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम यूजर आईडी है टच अप गर्ल, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। सो गाइस लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। फर्स्ट जो सूट है वो एक पर्पल कलर का सूट है, डार्क पर्पल कलर में मिल जाएगा और ये 3 पीस में रिसीव हुआ है। सबसे फर्स्ट में ना इसमें आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा, यहाँ पे पूरा ये एम्ब्रॉयडरी मिलेगी जो कि भी आपको दिख रही है इस कुर्ते में, सारी एम्ब्रॉयडरी की हुई है। पास से भी देख लीजिए, बहुत ही फाइन एम्ब्रॉयडरी इस कुर्ते में की हुई है। कुर्ते का फैब्रिक कॉटन ब्लेंड फैब्रिक है एंड पहनने के बाद बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही कंफर्टेबल लग रहा था। और यहाँ पे भी इसमें एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी आपको, ये एम्ब्रॉयडरी दी हुई है। ये पार्टीज में भी पहन सकते हैं और आप इसे कैजुअल भी पहन सकते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ही भरा हुआ है, तो आप नॉर्मली भी इसको पहन सकते हैं। और यहाँ पे इसमें दी हुई है ये वाली पैंट, इलास्टिकेटेड वेस्ट लाइन है, हाफ में बेल्ट है और यहाँ पे मिलेगा इतना ये नैरो, साथ में दिया हुआ है इसके दुपट्टा। सो जो दुपट्टा है वो आपको थोड़ा सिल्क ब्लेंड टाइप के फैब्रिक में मिल जाएगा, गोटा पट्टी की लेस के साथ। और दुपट्टा विड्थ वाइज उतना बड़ा नहीं है बट लेंथ में ये ठीक है। सो इसमें मेरा साइज M है जो कि मुझे इसमें परफेक्ट आया है। नेक्स्ट परचेज किया ना वो एक लाइट ग्रीन कलर का सूट है। सो ये इसमें ना फ्रंट में एम्ब्रॉयडरी दी हुई है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर एम्ब्रॉयडरी इस कुर्ते में मिल जाएगी। इसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत फाइन और बहुत सुंदर लग रही थी गाइस, मतलब कोई भी चीप टाइप की एम्ब्रॉयडरी नहीं है, काफ़ी सुंदर एम्ब्रॉयडरी इसमें दी हुई है। और ये वाली एम्ब्रॉयडरी आपको ये पूरे कुर्ते में मिल जाएगी, ये पूरे कुर्ते में इसी तरह से मिलेगी। इसका फैब्रिक है सिल्क ब्लेंड टाइप का, इसका फैब्रिक है और यहाँ स्लीव्स पे आपको गोटा पट्टी मिल जाएगा। बाकी ये नॉर्मल मिलेगा, बस ये ही एम्ब्रॉयडरी आपको इस कुर्ते में मिल जाएगी। कलर इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मीन्स दिन के फंक्शन में भी आप इसको बड़े आराम से पहन सकते हैं और पार्टीज के पर्पज से तो ये है ही अच्छा। और इसके साथ में दी हुई है गाइज ये वाली पैंट। इसकी जो पैंट है ना, मतलब जब मैंने स्टार्टिंग में पहना तो मुझे ऐसा लगा कि इसके जो थ्रेड हैं वो थोड़े से चुभ रहे हैं पैरों में, बट थोड़े टाइम के बाद ना वो चुभना बंद हो गए। तो पहले तो मुझे लग रहा था अरे यार क्या है ये चुभ रहा है, बट थोड़े टाइम के बाद वो चुभने बंद हो गए तो मुझे ठीक लग रहा है। मीन्स पहले तो मैं रेकमेंड ही नहीं करने वाली थी कि इतना ज़्यादा चुभ रहा है तो कौन ही इसको पहनेगा, बट फिर थोड़े टाइम बाद जो चुभन होती है वो, जो भी इचिंग हो रही थी वो ख़त्म हो गई, तो मुझे लग रहा है कि फिर पहना जा सकता है। और यहाँ पे इलास्टिकेटेड वेस्ट लाइन दी हुई है, हाफ में बेल्ट है, ड्रॉ स्ट्रिंग के साथ ये मिल जाएगा। और लास्ट में देखेंगे तो इतना ये नैरो मिलेगा, साथ में इसके दुपट्टा दिया हुआ है। दुपट्टा आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा इसका, जो कि ऑर्गेन्जा फैब्रिक में है, यहाँ पे कट वर्क वाला दुपट्टा दिया हुआ है। इसमें आपको एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी दुपट्टे में भी, लेंथ वाइज ये ठीक है, विड्थ वाइज बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है बट विड्थ वाइज ठीक है, काफ़ी छोटा भी नहीं है, तो इसको ट्राई कर सकते हैं। मैंने पहना हुआ है, साइज़ है M। नेक्स्ट जो मैंने परचेज़ किया ना वो एक प्रॉपर मरून कलर का सूट है और गाइज इसका कलर मुझे इतना ज़्यादा पसंद आ रहा है कि मैं आपको क्या बताऊँ, बट इसमें पीसेस बहुत कम बचे हुए हैं तो जल्दी से बाय करना, अदरवाइज ये आउट ऑफ स्टॉक होने वाला है। सो यहाँ पे ना इसमें फ्रंट में बहुत सुंदर एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी, कितनी सुंदर दी हुई है। अगर आप करवा चौथ पे ना सूट पहनते हैं तो ये उस पर्पज से भी बहुत सुंदर है, बिकॉज इसको पहनने के बाद ना इसकी फिट बहुत अच्छा आ रहा था और ये लुक भी बहुत अच्छा था, इतना अच्छा ये मॉडल पे नहीं लग रहा है गाइज, इतना अच्छा ये रियल में लग रहा है। तो यहाँ पे ना इतना सुंदर इसमें आपको एम्ब्रॉयडरी मिलेगी जो कि जरी एम्ब्रॉयडरी की हुई है और फॉइल वाले मिरर दिए हुए हैं। सो ये एम्ब्रॉयडरी मिलेगी, ये ए लाइन पैटर्न में है, सिल्क ब्लेंड इसका फैब्रिक दिया हुआ है पर इसका फैब्रिक बहुत सॉफ्ट, बहुत अच्छा है। और यहाँ पे आपको ये गोटा पट्टी वाली लेस इसमें भी मिल जाएगी। बैक साइड और फ्रंट में ये बटन तो नहीं दिए हुए बट डिज़ाइन दिया हुआ है, बैक साइड में कुछ भी नहीं दिया हुआ, सांगरिया इसका ब्रांड है। और इसके साथ में दी हुई है ये वाली पैंट, इलास्टिकेटेड वेस्ट लाइन है पैंट में और हाफ में बेल्ट है और ये इतना ये नैरो मिल जाएगा। पैंट नॉर्मल मरून कलर का है तो आप किसी और के साथ भी पहन सकते हैं। साथ में जो दुपट्टा दिया हुआ है ना, माय गॉड वो क्या बताऊँ कि कितना सुंदर इसका दुपट्टा है, शिफॉन फैब्रिक है, पूरा जरी वर्क इसमें किया हुआ है, जो बूटी बूटी आप देख रहे हैं जरी एम्ब्रॉयडरी की हुई है। पास से भी दिखा देती हूँ आपको, दुपट्टे का कलर बहुत सुंदर है,
ये जरी एम्ब्रॉयडरी इसमें आपको मिल जाएगी, और गोटाबट्टी वाली लेस लेंथ विथ सब कुछ इसकी परफेक्ट है। और ये पहनने के बाद बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। मैंने पहना है साइज M जो कि मुझे परफेक्ट आया, पर ध्यान रखें इसका स्टॉक बहुत कम है, तो जल्दी से परचेज कर लेना। और नेक्स्ट जो मैंने परचेज किया है गाइज, वो भी अगेन बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ता है, हैवी फंक्शंस में भी आप इसको पहन सकते हैं। इसका फ्रंट कितना सुंदर दिया हुआ है, एम्ब्रॉयडरी बहुत रिच इसमें की हुई है, वी नेक के साथ मिलेगा। सेम पैटर्न में है ये, मीन्स जैसा वो दिखाया था ना कुछ ए लाइन पैटर्न, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही दिया हुआ है। इसका शेप, इसका डिज़ाइन, इसका भी सिल्क ब्लेंड फैब्रिक है, और यहाँ पे इसमें ऑर्गेन्जा फैब्रिक के साथ ये अलग से इसमें एम्ब्रॉयडरी की हुई है। इसके साथ में मिली है प्लाजो, काफ़ी घेर वाली, काफ़ी नहीं मतलब घेर वाली प्लाजो इसके साथ में मिली है, जिसमें ऑर्गेन्जा फैब्रिक है और प्लस अलग से बॉर्डर भी दिया हुआ है ये वाला। और ये भी सिल्क ब्लेंड फैब्रिक में है, चुभने का कोई इशू इसमें नहीं आया था। बट यहाँ पे आपको इलास्टिकेटेड वेस्ट लाइन, हाफ में बेल्ट मिल जाएगा, और साथ में दिया है ऑर्गेन्जा फैब्रिक का इसके साथ में दुपट्टा, जो कि बहुत ही बड़ा, लेंथ विड्थ सब कुछ अच्छी है, और बॉर्डर पे आपको सेम एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी। ये सूट पहनने के बाद बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मैंने परचेज़ किया गाइस, वो एक स्लीवलेस कुर्ता सेट है। इसका कुर्ता जो है वो स्लीवलेस मिल जाएगा, रेयन फैब्रिक में ये मिला है, और यहाँ पे इसकी ये स्ट्रेप्स आपको मिल जाएंगी। स्लीवलेस पहनते हैं तो ट्राई कर सकते हैं, इसमें आपको मल्टीपल कलर ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। सो ये वाला कलर मुझे ऐसा लगा कि अच्छा लगेगा एक्चुअल पहनने के बाद, ये रेड कलर है, थोड़ा सा जो टोमेटो रेड टाइप का होता है उस टाइप का ये कलर है, तो मुझे ऐसा लगा कि ये कलर उतना ज़्यादा मेरे ऊपर सूट नहीं कर रहा था। बाकी इसमें और भी कलर ऑप्शन है, इसका डिज़ाइन अच्छा है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पे इसमें जो थ्रेड से जो वीविंग की होती है वो की हुई है, प्रिंट नहीं है, ये रेयन फैब्रिक के साथ है। और इसके साथ में मिला है ये वाली पैंट, जिसमें इलास्टिकेटेड वेस्ट लाइन है, हाफ में बेल्ट है, और यहाँ पे इतना ये नैरो दिया हुआ है। पैंट का फैब्रिक अच्छा है, इसका कॉटन मतलब रेयन कॉटन मिक्स में फैब्रिक है, और शिफॉन फैब्रिक का इसमें दुपट्टा दिया हुआ है, प्लस ये गोल्डन बॉर्डर के साथ। लेंथ विड्थ इस दुपट्टे की काफ़ी अच्छी आई है, तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। हाईली चीज़ की ना गाइस, वो है ये पम्प्स, एंड मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मुझे ना एक प्रॉपर पिंक कलर के हील्स परचेज करने हैं, और काफ़ी सारे मैंने ट्राई भी किए, बट ना मुझे उतना मज़ा नहीं आ रहा था उनमें। सो मैंने अभी रिसेंटली ये वाले परचेज किए हों गाइस, ओ माय गॉड, मैं क्या बताऊँ कि ये मुझे कितने ज़्यादा सुंदर लगे हैं। वेलवेट, इस पर आपको पूरा वेलवेट मिल जाएगा, वेलवेट का फैब्रिक इसमें लगाया हुआ है। हील इसमें आई थिंक 2.5 इंचेस की है, मैं पम्प्स हील बहुत बहुत ज़्यादा पहनती हूँ, इसलिए मैं कंफर्टेबल रहती हूँ इसमें, और इसकी क्वालिटी गाइस अमेजिंग है। कलर ऑप्शन आपको इसमें मिल जाएंगे, इनकेस अगर आप ये कलर पसंद नहीं आता आपको तो आप दूसरा भी पहन सकते हैं। सो क्वालिटी वाइज एंड फिट वाइज कंफर्टेबल भी ये काफ़ी ज़्यादा हैं, फिट वगैरह भी सब कुछ इसका काफ़ी अच्छा है, तो ट्राई कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। सभी का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय गाइज।